जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा पाई चार्ट। क्या रहेगा? पाई चार्ट। पाई चार्ट का एक पार्ट हम पहले भी दे चुके हैं आपको, ये रहेगा दूसरा पार्ट। जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि सारे वीडियो उन तक पहुँचते रहें आसानी से, और वीडियो पूरा देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, सवालों को कॉपी पे लिखें और उन्हें उसके बाद में उसको हल करें। ये पैट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पैट के अलावा अगर आप देखेंगे तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जहाँ पाई चार्ट पूछा जाता है, मतलब लगभग सभी परीक्षाओं में पाई चार्ट पूछा जा रहा है, चाहे वो रीजनिंग में हो या मैथ्स में, सभी में तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा और पाई चार्ट देख के आप अनुमान लगाएंगे कि कितनी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाई चार्ट में ये देख लेना चाहिए कि कितने आइटम्स हैं या कितनी वस्तुएं इसके अंदर दी हुई हैं। तो बताइए कितनी दी हुई हैं। एक तो कार दी हुई है, एक रेल दी हुई है, एक बस दी हुई है और एक पैदल दिए हुए हैं, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है कि कुछ लोग 80 डिग्री जो है पैदल जाते हैं। 80 डिग्री किससे जाते हैं? पैदल। 80 डिग्री पैदल जाते हैं, 90 डिग्री बस से जाते हैं, 120 डिग्री किससे जाते हैं? रेल से, मतलब ट्रेन से। और कितना बच गया? एक और बच गया। कार से कितने जाते हैं? इन्हें सबको जोड़ दो और 360 में से घटा दो, तो कितना आ गया? 8, 120 और 80, 200, 290 आ गया। 360 में से 290 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। तो 70 डिग्री है ना। लेकिन उसने वैल्यू संख्या में पूछी है। काय में पूछी है? संख्या में। तो संख्या निकाल लेंगे। कल हमने क्या बताया था? जब डिग्री दिया होगा तो आप 360 से भाग करोगे, तो 70 डिग्री बटे 360 डिग्री। और इसको हमने जो संख्या दे रखी है ऊपर छात्रों की, वो 2160 दे रखी है। यानी कि इसमें कुल जो विद्यालय में जो छात्र हैं, जो स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं, उनकी संख्या 2160 है। उससे अगर हम इसको गुणा कर दें तो कार द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता लग जाएगी। तो 70 डिग्री, डिग्री से तो डिग्री कट गया, ये जीरो से ये वाला जीरो कट गया, है ना। और 6 छंग 36, 6 3 18, 6 छंग 36, 6 0 0, और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार? 60 बार। और 7 छंग कितना हो गया? 42। तो बताओ कितना हो गया? 420। ठीक है, ये आ गया, संख्या आ गई 420। रेल द्वारा, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या है 420। ये हो गया आंसर आपका। हटा दें। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो है कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों, तो बताओ कार से कितने आ रहे हैं? आप बताइए। 70 क्या? डिग्री। कार से कितने आ रहे हैं? 70 डिग्री। 70 डिग्री है ना। और बस से कितने आ रहे हैं? तो इनका हमें केवल अनुपाती तो निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? 70 डिग्री अनुपाते कितना? 90 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री खत्म और जीरो से जीरो खत्म, कितना आ गया? 7:9। तो ये किसका आ गया? अच्छा, छात्रों का अनुपात पूछ रहा, रुक जाइए, छात्रों का अनुपात भी निकाल लेंगे। चलिए इसको हटा दूं, ये द्वारा देखिए आप, छात्रों की संख्या का पूछ रहा, डिग्री का नहीं। चलो तो कार द्वारा तो आपने पहले ही निकाल लिए थे, कितने आए थे? 420। अब आप निकाल लो बस द्वारा, तो बस द्वारा कितने हैं? 90 डिग्री है ना। तो 90 बटे 360
गुणा 2160। ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 4 पंजे 20 है ना, और 4 चौक 16 0, तो ये बताओ कितना आ गया। बस से कितने स्कूल आते हैं, 540 है ना। जब बस से 540 आते हैं और कार से कितने आ रहे थे, 420। बस से 540, इनका दोनों का सोल्व कर लो, सात छंग वो ये हो गया आपका, हाँ सात नहीं कटेगा, दो से काट लो, दो एक दूनी चार, दो इकन दो, दो दूनी चार, दो सत्ते 14, और ये आपका 3 7 21, 3 9 27। अच्छा अच्छा 27 है, ठीक है। वैसे आगे भी तो कट सकता है ये, 3 7 21, 3 9 27, तो देखो ये तो वही सवाल आ गया है ना, ये तो डिग्री पे ही वैल्यू पहुंच गई, तो कोई बात नहीं, इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो वो वैल्यू वहीं पे आ जाएगी, तो वो भी हम सही कर रहे थे पहली स्थिति में, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले भी जो देख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या निकाल के करा, आंसर तो वही आएगा ना, कॉपी करें। चलिए हटा दे से, अब देखिए प्रश्न संख्या 3, पैदल चलकर या बस द्वारा आने विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। पैदल से आए हों या वो कैसे आए हों, बस से आए हों, तो पैदल चल के कितने आए, 80 डिग्री है ना, और बस से कितने आए, 90 डिग्री, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 170 डिग्री। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 170 डिग्री कितने का निकाल लो, 2160 का, बटे बोलो कितना, 360 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर ये कट जाएगा, 6 6 36, 6 3 18, 6 6 36 जीरो, और ये कितना आ गया, 60 है ना, 17 6 का कितने हो गए, 102, तो कितने हो गए बोलो, 1020। बात समझ में आ गई, ये हो गए आपके पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या। ये या हिंदी में लिख दिया इन्होंने, और होना चाहिए था, हाँ सही कह रहे, या का साइंस तो यथवा में हो गया फिर। ठीक है, अगर मैं इसको पैदल इसके हिसाब से चलूंगा ना प्रश्न के, तो पैदल चलकर वालों का आंसर अलग आएगा, बस द्वारा चलकर अलग आएगा, है ना। हटा दो इसे, चलो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं जाते। रेलगाड़ी वाले माइनस कर दीजिए 360 में से, है ना, ये पाई चार्ट दिख रहा है, इस पाई चार्ट में से ये 360 डिग्री का होता है, इसमें से 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 240 डिग्री, कितना बचेगा, 240 डिग्री, और 240 डिग्री फिर आप कितना कर दोगे, 360 गुणा 2160, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका 1440, कितना हो गया, 1440। ये कौन से हो गए, रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं जाते, बाकी सारे माध्यम से जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं।
रब कर दें, हो गया सबका। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 90 डिग्री, 90 डिग्री बस से आ रहे हैं। और पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा है। 90 डिग्री आ रहे हैं आपके बस से और पैदल आ रहे हैं 80, तो 90 डिग्री में से 80 डिग्री घटाइए तो कितना आया बोलो? 10 डिग्री, है ना। अब ये 10 डिग्री का क्या बना दो, संख्या निकालो अपॉन 360 डिग्री, है ना, और गुणा इसका क्या करो, अभी ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लो उसके बाद में, ये कितना आ जाएगा। उसने क्या पूछा था आपसे, परसेंटेज कर दो बस इसकी, तो ये कितना आ गया, इस जीरो से ये वाली वैल्यू कट गई और ये वाली इससे कट गई, ये कितना हो गया, दो कन दो, दो तिया छ, नहीं दो इकन दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, 0, 50/18, 18 2 36, कोई है नहीं, द्वारा देखिए इस सवाल को। उसने ये कहा कि बस द्वारा विद्यालय, पहले छात्र निकाल तो लो, बस द्वारा विद्यालय आ कितने रहे निकाल लो, 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटे 360 गुणा बोलो कितना, 2160, कितने आ गए, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, कितने आ गए, 540 बस से आ गए। उसके बाद उसने क्या कहा, पैदल चलकर कितने आए थे, 80 डिग्री, तो 80/360 गुणा 2160, ये खत्म हो गया। और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 छंग 36, 6 3 18, 6 छंग 36, 6 छंग 36 60 आ गया, 8 छंग 48, 480 आ गया ये वाला। अब ये वाली संख्या इससे कितनी अधिक है ये निकालना है, पहले इतना उतारिए। हटा दें, अब बस से कितने चल रहे थे, 540, बस से चलने वाले कितने 540, पैदल कितने चल रहे थे, पैदल चल रहे थे 480, अब इन्हें हटा देते हैं यहाँ से। अब 540 से 480 माइनस करिए, तो कितना आ गया, 60, है ना, 60। अब उसने क्या कहा आपसे, बस द्वारा पैदल वाले छात्रों की संख्या पैदल चल के विद्यालय वाले छात्रों की संख्या से कितने अधिक है, तो 60 × 100/480 बोलो, समझ में आ गया, 6 8 48, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, तो कितनी आ गई, 12.5%। है कोई ऑप्शन, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 5 सवाल ये हो गए, बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आप लोग। वही ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।